सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और घंटे वाला बटन भी दबाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं LIC के प्लान जीवन शांति के बारे में, जिसको LIC का सबसे अच्छा पेंशन प्लान माना जा रहा है। जीवन शांति का प्लान नंबर है 850 और ये पेंशन प्लान इसी सितंबर 2018 में ही लॉन्च हुआ है। ये LIC का सबसे नया पेंशन प्लान है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जीवन शांति प्लान में पेंशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन क्या हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला ऑप्शन है इमीडिएट एन्युटी, जिसका मतलब है कि आज आपने अपनी जीवन शांति पॉलिसी ली और उसके तुरंत बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अब आते हैं सेकेंड एन्युटी प्लान पे, तो सेकेंड ऑप्शन है आपके पास डेफर्ड एन्युटी प्लान, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पेंशन को पोस्टपोन करते हैं। मान लेते हैं आपकी एज 40 साल है और आप चाहते हैं 50 साल की एज से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो, तो आपको डेफर्ड एन्युटी प्लान लेना होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इमीडिएट एन्युटी प्लान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको दोनों प्लान बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेफर्ड एन्युटी प्लान में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ इमीडिएट एन्युटी प्लान के बारे में ही बताऊंगा। जब आप मान लेते हैं आपने इमीडिएट एन्युटी प्लान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको अपना एन्युटी मोड चूज करना पड़ेगा कि आप अपनी पेंशन मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली। आप इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और जो भी ऑप्शन आप अपने लिए चूज करेंगे आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जब आप अपने लिए चूज कर लेते हैं उसके पास आपके पास इमीडिएट एन्युटी में ही 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको ये 10 के 10 ऑप्शन समझने बहुत ज़रूरी हैं। इस प्लान में जीवन शांति में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ऑप्शन ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी पॉलिसी भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे, आप कुछ ना कुछ गलती कर देंगे पॉलिसी लेने में, जिसको आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, इसका मतलब है कि आपको आजीवन मतलब पूरे जीवन भर जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन बी है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, इसमें भी आपको जब तक आप जीवित रहेंगे जब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन गारंटेड 5 साल तो मिलेगी। अगर आपकी मतलब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले ही, तो बचे हुए जो साल हैं 5 साल में बचे हुए जो साल हैं उतने साल में पेंशन आपके नॉमिनी को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 3 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो बचे हुए 2 साल पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी, उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन सी में यहाँ पे आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, जीवन भर पेंशन मिलेगी, लेकिन 10 साल गारंटेड है। अगर 10 साल से पहले डेथ हो जाती है, मान लेते हैं कि 8 साल पॉलिसी लेने के 8 साल बाद डेथ हो जाती है, तो बचे हुए 2 साल आपके नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पेंशन मिलेगी और पॉलिसी उसके बाद बंद हो जाएगी, किसी को कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। ऐसी ऑप्शन डी में 15 साल है और ऑप्शन ई में 20 साल है, अदरवाइज ये लाइफ टाइम आपको जब तक जीवित रहेंगे पॉलिसी होल्डर को पेंशन मिलती रहेगी। अब आप आते हैं ऑप्शन एफ पे, तो इमीडिएट ऑप्शन एफ है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, इसका मतलब ये है कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे जब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी और जब उनकी डेथ हो जाएगी पॉलिसी होल्डर की, तो जो उनका सम एश्योर्ड है परचेस प्राइस है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है, तो 20 जीवन भर आपको पेंशन मिलती रहेगी और डेथ के टाइम पे 20 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा ऑप्शन एफ में। अब बात करते हैं ऑप्शन जी की, तो ऑप्शन जी में है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम, इसमें यह है कि आपको जीवन पॉलिसी होल्डर को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी और 3% से इंक्रीमेंट होता रहेगा।
3% पर एनम के हिसाब से इंक्रीमेंट होता रहेगा पेंशन में। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन एच में। ऑप्शन एच है ज्वाइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन फॉर 50% ऑफ द एन्युटी ऑफ द सेकेंडरी एन्युटेंट ऑफ डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। इसका मतलब ये है कि अब तक जो पहले तक मैंने आपको ए से लेके जी तक ऑप्शन बताए थे, ये सिंगल लाइफ के ऊपर थे, मतलब आप पॉलिसी अपने नाम से ले रहे हैं, आप सिंगल होल्डर हैं पॉलिसी में। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें आप ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जीवन शांति में आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को इस पॉलिसी में एड ऑन कर सकते हैं और सेकेंड होल्डर बना सकते हैं। फर्स्ट होल्डर तो आप ही रहेंगे, फर्स्ट होल्डर आप रहेंगे, सेकेंड होल्डर कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है आपका। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकेंडरी होल्डर आप हमेशा अपने स्पाउस को रखें, अपनी वाइफ को रखें और इस ज्वाइंट लाइफ वाले में, और नॉमिनी अपने बच्चों को रखें। और ये जो ऊपर ए से लेके जी तक ऑप्शन थे, यहाँ पे नॉमिनी आप अपनी वाइफ को रखिए। तो ऑप्शन एच में आपको बताता है, इसमें ये है कि जब तक आप जीवित रहेंगे, मतलब फर्स्ट होल्डर जब तक जीवित रहेंगे जब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी, और जब फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद 50% पेंशन का अमाउंट उनके सेकंड होल्डर को मिलता रहेगा। मान लेते हैं वाइफ सेकंड होल्डर है तो वाइफ को अमाउंट मिलता रहेगा पेंशन का। फॉर एग्जाम्पल जब आप जीवित थे, जब तक आप जीवित थे आपको पेंशन मिलती रही 10,000 रुपये, और जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो उसके बाद 5,000 रुपये, मतलब 50% हो जाएगा पेंशन का। तो 5,000 रुपीज आपके सेकंड होल्डर को मिलेगा। आप मान लेते हैं वाइफ है तो वाइफ को मिलेगा सेकंड पेंशन। ऐसी अब ऑप्शन आई की बात कर लेते हैं। ऑप्शन आई में है कि ज्वाइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युटेंट सर्वाइव्स। तो ऑप्शन आई का मतलब है कि आपने मान लीजिए फर्स्ट होल्डर आप हैं और सेकंड होल्डर आपकी वाइफ है, जब तक आप दोनों में से कोई एक भी जिंदा रहेगा जब तक आप लोगों को पूरी पेंशन मिलती रहेगी। मान लीजिए आप सब फर्स्ट होल्डर आप हैं, आपको 10,000 रुपये की पेंशन मिल रही थी, और आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ को भी 10,000 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी अगर वो सेकंड होल्डर हैं तो। और जब उनकी भी डेथ हो जाएगी सेकंड होल्डर की, तो ये पॉलिसी बंद हो जाएगी, उसके बाद किसी को कोई और बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन जे की, जो काफी पॉपुलर है। ऑप्शन जे और ऑप्शन एफ काफी पॉपुलर है, तो मैं अब आपको ऑप्शन जे बताता हूँ। ऑप्शन जे है ज्वाइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन फॉर 100% ऑफ द एन्युटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युटेंट सर्वाइव एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। जो मैंने आपको आई में बताया था वो सेम चीज है इसमें भी ऑप्शन जे में, लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि मान लीजिए पहले, इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए फर्स्ट होल्डर आप हैं, आप जब तक जीवित हैं आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये की पर मंथ पेंशन मिलती रही, और जब आप की डेथ हुई, फर्स्ट होल्डर की डेथ हुई, तो उसके बाद वाइफ को मिलती रही 10,000 रुपये की पेंशन। अब जब वाइफ की भी डेथ हो गई तो उसके बाद जो बेनिफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा नॉमिनी को। तो आपको अपना नॉमिनी डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, नॉमिनी जरूर डिक्लेयर करिए और कोशिश करिए अपने बच्चों को नॉमिनी बनाइए। अगर आप ए से लेके जी तक कोई सा भी ऑप्शन चूज करते हैं तो नॉमिनी अपने वाइफ को बनाइए, और अगर आप ऑप्शन आई से लेके ऑप्शन एच से लेके जे चूज करते हैं तो आप सेकंड होल्डर में अपने वाइफ को बनाइए, स्पाउस जो भी हैं आप, और नॉमिनी में अपने बच्चों का नाम रखिए। अब मैं बताता हूँ सबसे सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो सबसे अच्छा ऑप्शन एक ऑप्शन एफ है और ऑप्शन जे है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ऑप्शन जे ज़्यादा चूज करिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है ऑप्शन एफ में और जे में, पेंशन वाइज और प्रीमियम वाइज आपका। LIC की जीवन शांति पॉलिसी आप किसी एजेंट से भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट LIC के ऑनलाइन पोर्टल पे वेबसाइट पे जाके भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको थोड़ा सा पेंशन में बेनिफिट मिल जाएगा, आपको थोड़ी सी ज़्यादा पेंशन मिलेगी कंपेयर टू ऑफलाइन वाले में। अगर आप एजेंट से, आप डायरेक्ट LIC की वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं LIC की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। LIC की जीवन शांति में आपको बस एक बार ही पेमेंट करनी होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आपको लाइफ टाइम आपको अपनी पेंशन मिलती रहेगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका फ्यूचर सिक्योर, आपके फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा इसमें।
जीवन शांति पॉलिसी में आप अपने नाम से तो ले ही ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया, और साथ में आप अपना ज्वाइंट होल्डर भी बना सकते हैं। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन, बच्चों बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, स्पाउस या सिबलिंग, किसी को भी आप अपना ज्वाइंट होल्डर बना सकते हैं जीवन शांति में। अगर आप जीवन शांति पॉलिसी लेते हैं तो आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, किसी एजेंट से लेते हैं, तो 15 दिन का टाइम मिलता है, 30 दिन। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ली है, आपने एजेंट से ली हो या फिर आपने डायरेक्ट ऑनलाइन से ली हो, तो आपके पास एक फ्री लुक पीरियड दिया जाता है कि अगर आप पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं, आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है, कोई भी रीजन से आप पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप एजेंट से लेते हैं तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है, और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। LIC की जीवन शांति पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 30 साल, और मैक्सिमम एंट्री है की बात करें तो अगर आप ऑप्शन एफ लेते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एंट्री है 100 साल, और अगर आप ऑप्शन एफ से एफ के अलावा कोई सा भी ऑप्शन चूज करते हैं इमीडिएट एन्युटी में, तो आपके लिए मैक्सिमम एंट्री एज है 85 ईयर्स। ऐसी मिनिमम सम जीवन शांति पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड है 1.5 लाख, मिनिमम 1.5 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 1.5 लाख प्लस टैक्सेस, 1 लाख 50 लाख, 1 लाख 50 थाउजेंड प्लस टैक्सेस आपको पे करना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई हैंडीकैप्ड है और आप पे डिपेंडेंट है, आप फैमिली मेंबर ही होने चाहिए वो, आप और आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो आप उनको बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं जीवन शांति पॉलिसी में। अब बात करें यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस पे आप बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कोई हैंडीकैप्ड और आप पे डिपेंडेंट है, आपका फैमिली मेंबर है। सबसे पहले अगर आपने पॉलिसी सिर्फ अपने नाम से ली है, सही ना, आप सिर्फ आप सिंगल होल्डर हैं उस पॉलिसी में, और आपने ऑप्शन एफ चूज किया है, बाकी ऑप्शंस में नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ऑप्शन एफ चूज करते हैं तो ही आप पॉलिसी का बेनिफिट ट्रांसफर कर पाएंगे, आपको किसी हैंडीकैप और डिपेंडेंट हो आप पे। तो उस केस में क्या होगा, ऑप्शन एफ में हमने देखा था कि आपको पॉलिसी होल्डर को जीवन भर पेंशन मिलती है, और जब तक वो जीवित रहते हैं, और जब उनकी डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट मिल जाता है, परचेस प्राइस मिल जाता है। तो ऐसे केस में आपको नॉमिनी उन फैमिली मेंबर को रखना पड़ेगा जो आपके हैंडीकैप्ट है, डिपेंडेंट है, अगर आप उन्हें बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो। तो उस केस में जो उनको आपका सम एश्योर्ड वाला अमाउंट मिलेगा आपके डेथ के बाद, परचेस प्राइस का अमाउंट जो मिलेगा, उसी से उनको दोबारा जीवन शांति पॉलिसी ही परचेस करवा देंगे LIC वाले, ये इस पॉलिसी में है बेनिफिट। अब दूसरा केस ये है कि अगर आप ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब आप साथ में सेकेंड होल्डर भी रखते हैं, तो आपको सेकेंड होल्डर उन हैंडीकैप मेंबर को रखना पड़ेगा जो आप पे डिपेंडेंट है, और आप ऑप्शन आई और जे ही चूज कर सकते हैं उस केस में। तो आप ऑप्शन एफ, ऑप्शन आई और ऑप्शन जे अगर चूज करते हैं तो ये आप अपना बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को, अगर वो हैंडीकैप्ड हैं या डिपेंडेंट हैं। बाकी नॉमिनी फैसिलिटी और आपका सेकेंड होल्डर फैसिलिटी आपके पास है, आप अपने वाइफ को रखिए, नॉमिनी को रखिए, जैसा आपको सही लगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जीवन शांति पॉलिसी को सरेंडर या लोन, इसके अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपने ऑप्शन एफ लिया है या ऑप्शन जे लिया है तो ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और सेम केस लोन में भी है, अगर आपने ऑप्शन एफ या ऑप्शन जे चूज किया है तो ही आपको लोन मिल पाएगा जीवन शांति में। जीवन शांति पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। जी हाँ, आप टेंशन फ्री हो जाइए, कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा आपका। अब मैं बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, या इनकम टैक्स क्या क्या आपको अप्लाइड होगा यहाँ पे, तो अभी तक इसकी कोई पूरी अच्छे से जानकारी नहीं अवेलेबल है, ना ऑनलाइन ना ऐप्स पे, LIC के ऐप पे भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसी जानकारी इसकी आएगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा इस पे। अब बात कर लेते हैं पेंशन अमाउंट की, तो अगर आप भी अपना पेंशन अमाउंट जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सबको आपका पेंशन अमाउंट बता दूंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है कि अगर आप ऑप्शन एफ चूज करते हैं, मैंने आपको बताया था ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे सबसे बेस्ट रहता है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन एफ में बताया, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है एफ में और जे में पेंशन में, लेकिन और ऑप्शन जे ज्यादा
अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो ऑप्शन जे चूज करिए मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की एज है 50 साल, वो और वो 1.5 लाख रुपये जो मिनिमम है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीवन शांति लेते हैं 1.5 लाख रुपये की। तो आपको सिंगल प्रीमियम पे, आपको एक बारी में पे करना होगा 1,52,700 रुपीज़। तो जो आप 2,700 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो आपका टैक्सेस हैं, तो आपकी ईयरली ईयरली पेंशन बन जाएगी आपकी 12,000, हाफ ईयरली 6,000, क्वार्टरली 3,000, मंथली 1,000। ये जो अमाउंट है ये मिनिमम अमाउंट है, आप कोई सा भी लेंगे ये मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, कोई सा भी सम एश्योर्ड लें ये मिनिमम मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 5,09,000 रुपये पे करना होगा, और आपका ईयरली पेंशन हो जाएगी 32,500, हाफ ईयरली हो जाएगी 15,900, क्वार्टरली हो जाएगी 7,800 और मंथली हो जाएगी 2,600 रुपये, जो भी आप चूज करते हैं उस हिसाब से मिलेगा। अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 10,18,000 रुपये पे करना होगा, आपकी ईयरली पेंशन हो जाएगी 65,600 रुपीज़, हाफ ईयरली पेंशन हो जाएगी 32,100 रुपये, क्वार्टरली पेंशन हो जाएगी 15,888 रुपीज़, मंथली पेंशन हो जाएगी आपकी 52,558 रुपये, 5,258 रुपये। ऐसे अगर आप 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 20,36,000 रुपये पे करना होगा, आपकी ईयरली पेंशन हो जाएगी 1,31,000, हाफ ईयरली पेंशन हो जाएगी आपका 64,000, क्वार्टरली पेंशन हो जाएगी आपकी 31,000, मंथली पेंशन हो जाएगी 10,500।